राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का 15वां दिन राजस्थान के अलवर में हुई राहुल गांधी की एंट्री, आज बड़ी रैली को संबोधित करेंगे राहुल। राहुल गांधी के नेतृत्व में राजस्थान के बांदीकुई से हुई आज भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। एक चरण में ही राहुल ने की पदयात्रा, सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी यात्रा में हुए शामिल। 21 दिसंबर को हरियाणा में होगी भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री। एंट्री के वक्त राहुल गांधी राजस्थान बॉर्डर पर 30 मिनट की करेंगे पब्लिक मीटिंग। तवांग के मुद्दे पर राज्यसभा से विपक्ष का वॉकआउट, खड़गे बोले चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, अगर इस पर चर्चा नहीं तो किस पर होगी चर्चा। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हुए कोविड पॉजिटिव, पीएम मोदी से मुलाकात के पहले हुआ था टेस्ट, सीएम सुक्खू 3 दिन के लिए हुए क्वारंटीन। गुजरात विधानसभा के सत्र से पहले बीजेपी विधायकों की हुई बैठक, सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद, आज गुजरात के नव निर्वाचित विधायक लेंगे शपथ। मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे किसान, आज बीकेएस कर रहा है गर्जना रैली, आज आएंगे 55,000 किसान, प्रभावित हो सकता है ट्रैफिक। राहुल के सवालों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तोड़ी चुप्पी, बोले चीन के खिलाफ एलएसी पर अब तक की सबसे बड़ी तैनाती। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज हुआ शुरू, विपक्षी दलों ने शिंदे सरकार को घेरने के लिए बनाई रणनीति, 21 बिलों को पेश करेगी शिंदे सरकार। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद गरमाया, दोनों राज्यों के बीच तनातनी जारी, सीएम बसवराज बोम्मई ने सीएम शिंदे से की बात। कनाडा के टोरंटो में खुलेआम फायरिंग, संदिग्ध शूटर समेत 5 की गई जान, एक व्यक्ति हुआ घायल, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट करेगी जांच। अमेरिका में एयर टर्बुलेंस से 36 लोग हुए घायल, 11 लोगों की हालत गंभीर, फिनिक्स से होनोलुलु जा रहा था विमान। 10 महीने से यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस ने सैनिकों के जोश को बढ़ाने के लिए संगीतकारों और गायकों को जंग के मैदान में उतारा। पश्चिमी पाकिस्तान में तालिबानी आतंकियों ने कई लोगों को बनाया बंधक, 2 पुलिसकर्मियों की गई जान, कई घायल। चीन में कोरोना का कहर, चीन ने फिर लागू किए सख्त नियम, आधी से ज्यादा आबादी के संक्रमित होने की आशंका। ट्विटर से इस्तीफा देने के लिए एलन मस्क ने आयोजित किया पोल, यूजर से मांगी उनकी राय, मस्क ने कहा कि वो वादा करते हैं कि वो पोल के रिजल्ट का करेंगे पालन। दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं लियोनेल मेस्सी, अर्जेंटीना की जीत के साथ बढ़ गई मेस्सी की डिमांड, $75 मिलियन है सैलरी। लियोनेल मेस्सी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में फ्रांस को 4-2 से दी मात, गोल्डन बॉल पर किया कब्जा। अर्जुन कपूर के साथ डेट पर निकली मलाइका अरोड़ा, केजुअल लुक में आए दोनों नजर, फैंस को पसंद आई दोनों की केमिस्ट्री। फिल्म अवतार 2 देखने थिएटर पहुंचे अक्षय कुमार, बेटी नितारा भी आई नजर, बेटी को लेकर काफी प्रोटेक्टिव दिखे अक्षय कुमार।